अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अलन नवाज़ खान है। आज हम सेकंड ईयर इंग्लिश के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला वर्ड जो अंडरलाइन किया गया वो है इम्बेलिश्ड, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एग्जाजरेटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्पाइज्ड, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंडेम्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है चूबी, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फैट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंस्ट्रू, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरप्रीट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लेजेंड, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेमस पर्सन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डैम्प, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोरस, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कायर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पैल्पिटेटिंग, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइब्रेटिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंक्लाइंड, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेम्प्टेड। लास्ट जो वर्ड है वो है मर्मर्ड, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विस्पर्ड। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ही क्रेव्ड फॉर मर्सी, क्रेव्ड फॉर। यू मस्ट ट्राई टू गेट टू द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, गेट टू। The teacher is popular with his students, popular with. These facts are familiar to me. I went to ask for my friend's health, ask for. He as well as I am going there. ये correction की objective है। He as well as I is going there. ये इसका correct option होगा। He has come here a month ago. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा He came here a month ago. She called him as a fool. She called him a fool. He gave me many advice. He gave me many pieces of advice. ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा The man is mortal. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Man is mortal. सब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, होम डेड चिप्स कॉल स्टिंक मर्चेंट, किसे स्टिंक मर्चेंट कहता है? वहां पे साइंस मास्टर होता है मिस्टर बरो, उसे वो स्टिंक मर्चेंट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज चिप्स जॉक अबाउट रिसोल, रिसोल के बारे में उसने कहा था मीट टू बी अबॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर चिप्स कॉल्ड अ जेस्टर, क्यों उसे जेस्टर कहा जाता था? क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा मजाक करने लगा था, लोग उसकी बात शुरू होने से पहले ही अपने मुंह बना लेते थे हंसने के लिए, इस वजह से उसे जेस्टर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड ऑन 11 नवंबर 1918। उस दिन चिप्स को सर्दी लग गई थी और उसे ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो गई थी। व्हाट हैपेंड टू चिप्स When too many boys visited him, जब बहुत ज़्यादा लड़के आ जाते थे उसकी वजह से वो थक जाता था। What minor changes occurred in Brookfield during the post-war decade? Post-war decades के बाद जो तब्दीलियाँ आई थीं वो चिप्स को नापसंद थीं। What was Chips's will? चिप्स की ख्वाहिश क्या थी? चिप्स की वसीयत क्या थी? उसने मिसेज विकेट के लिए पैसे रखे थे, और इसके अलावा मिशन के लिए रखे थे, और इसके अलावा स्कूल में ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए उसने पैसे रखे थे, उसकी वसीयत थी। व्हाट वर द टू थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन हिज लाइफ, जहाज़ पे कभी सफ़र नहीं किया था और टॉकी शो देखने के लिए कभी नहीं गया था, ये दो काम मिस्टर चिप्स ने नहीं किए थे। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन डिड चिप्स हैव विद लिनफोर्ड, लिनफोर्ड के साथ उसने डिस्कशन की थी कि वो जो खौफ है उस पर काबू पाए ब्रोकफील्ड के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ चिप्स व्हेन लिनफोर्ड हैड गॉन अवे, जब लिनफोर्ड चला गया था उसके बाद चिप्स की फीलिंग्स क्या थी? वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी जो उसने कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल ऑल द बेस्ट।